कोई एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो. फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक. मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना. टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर. चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है. आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीपा शारा एंड दिस इज पर्वत विश्नोई. सो इस वीडियो में आप डिस्कस करने वाले हैं कल सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई हुई सी उसके बारे. दसन मैं तुम्हें कल दस सकती सी पर थोड़ा जा रिसर्च करनी जरूरी सी कि कुछ आखिर च फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिता सी. ठीक है, सो सब तो पहले मैं तुम्हें दस दूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मैटर चल रहे थे. पहला मैटर यह कि कुछ लोगों ने यह पिटीशन दाखिल की सी सुप्रीम कोर्ट के कि सीबीएसई ने जो फैसला लिया या स्टेट बोर्ड्स का जो फैसला है बारहवीं के पेपरों को रद्द करने से रिलेटेड, वो फैसला रद्द होना चाहिए. बारहवीं की लिखती परीक्षा जी होनी चाहिए, ऑफलाइन एग्जाम्स होने चाहिए. ठीक है, एक मैटर यह सी. दूजा मैटर यह कि कुछ बच्चे सीबीएसई के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तो खुश नहीं सी, तो उन्होंने रिलेटिड जी इनक्वायरी सी वो कल जी सी सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई सी. तीजा जोड़ा मेन सी वो सी अपने को ओपन स्टूडेंट प्राइवेट स्टूडेंट्स रिपेयर के कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स जोड़े से उन्होंने रिलेटिड. ठीक है, कि उन्होंने ऑफलाइन एग्जाम्स हो गए या नहीं हो गए. ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें सी जो हुई सी. तो मैं तुम्हें दसदा सब तो पहला होया कि सब तो पहला जोड़ा से वह कल सुनवाई हुई इस मसले पर जी सी कि सीबीएसई ने जो पेपर रद्द किए हैं वो उन्होंने आपका डिसीजन बदलना चाहिए. बच्चों के पेपर बारहवीं के होने चाहिए क्योंकि हायर स्टडीज़ के बच्चों का नुकसान होएगा. ये पिटीशन दायर की गई सी. सो उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन नू बिल्कुल खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई ने जो डिसीजन लिया एग्जाम्स नू कैंसल करने का वो उदा का उदा ही रहेगा. कोई भी जी है वो ऑफलाइन परीक्षा जी नहीं होएगी. सो अरुणाचल प्रदेश जोड़ा एक एपी जोड़ा है वो एक इदा का राज्य है जिन्हें अजे तक जो पेपर है वो कैंसल नहीं किए हैं. ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश में भी एक जी है सख्त फटकार जी लाई गई है. तो उन्होंने कह दिया गया कि जेकर तुम एग्जाम कराते हो तो बच्चों का जो भी लॉस होएगा हेल्थ रिलेटिड या कोई भी इकोनॉमिकल मेंटल फिजिकल जो भी लॉस होएगा बच्चों का वो जिम्मेवारी सरकार की होएगी तो सरकार ही उन्होंने पूरा करेगी. ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट वालों कह दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो दिन के अंदर अंदर तुम आपका एफीडेविट जोड़ा है एक कोर्ट के लैके आओ तो आपका डिसीजन दसो और ये चीज़ कर दो कि साड़ी कोई जिम्मेवारी नहीं है. यानी कि केंद्र सरकार तो सुप्रीम कोर्ट ये जिम्मेवार नहीं है, पूरी की पूरी अरुणाचल प्रदेश की जी सरकार होएगी वो ये जिम्मेवार होएगी. ठीक है, सो ये पहली न्यूज़. दूजी न्यूज़ सी कि सीबीएसई के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तो कुछ बच्चे जोड़े खुश नहीं सी, तो वो रिलेटिड भी जी है वो एक मतलब आप कह सकते पिटीशन तो नहीं दायर हुई सी, एक दलील जी दी गई सी. उस दलील दे विच की सी कि उन्होंने कहा कि ग्यारहवीं के मार्क्स जो नहीं लगने चाहिए क्योंकि लॉकडाउन के ग्यारहवीं जी बच्चों ने कई ने सीरीयसली नहीं लई है तो ग्यारहवीं के नंबर नहीं लगने चाहिए. दसवीं के बारहवीं के नंबर के बेसिस से जी उन्होंने इवेल्यूशन जो हो जाना चाहिए. तो इस चीज़ में भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मनिया. तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह जो सीबीएसई ने अप्रूव किया 30-30-40 का फॉर्मूला उन्होंने अप्रूव कर दिता तो हिसाब न ही रिजल्ट जो बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट गल करते हैं ओपन स्टूडेंट्स प्राइवेट कंपार्टमेंट से रिपेयर वाले स्टूडेंट्स की. तो उन्होंने बारे में तुम्हें दस दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जोड़ा मैटर है ये बिल्कुल अलग है. यदि सुनवाई जी अलग होएगी यानी कि वीरवार को ओपन कंपार्टमेंट रिपेयर वाले स्टूडेंट्स जिन्हें भी ने प्राइवेट वाले जिन्हें भी स्टूडेंट्स ने उन्होंने सुनवाई वीरवार को होएगी. उन्होंने कहा कि पिछले साल भी जोड़ा है रिपेयर वाले बच्चे जिन्होंने पिछले साल भी प्रमोशन तो बाद भी रिपेयर आई है तो उन्होंने केस थोड़ा जहा अलग है. तो उन्होंने कहा कि ये अलग मैटर है तो यदि अलग सुनवाई जी होएगी. सो मैं तुम्हें दसता कल की जी सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से होया पहला तो सीबीएसई के पेपर जोड़े रद्द हुए से उन्होंने खिलाफ जी एक याचिका दायर की गई थी. उस याचिका के कि बारहवीं की लिखती प्रीख्या होनी चाहिए है, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं तो जी थ्यूरी है वह भी होनी चाहिए है क्योंकि बच्चों के लिए वो जरूरी है. सो इस चीज़ के उपर सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉस करता कि ऑफलाइन कोई भी पेपर जो नहीं होएगा. ठीक है, उस तो बाद अरुणाचल प्रदेश के बच्चों के लिए भी खुशखबरी हो सकती है क्योंकि उन्होंने सरकार को सख्त फटकार जी सुप्रीम कोर्ट के वालों मिली है. उस तो बाद जेकर कही सीबीएसई क्राइटीरिया के चेंज दी तो सीबीएसई के क्राइटीरिया में कोई चेंज नहीं किया जाएगा. कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको 100% अप्रूव कर दिता है. हुण कोई भी चेंज नहीं होएगा. 30-30-40 का फॉर्मूला जोड़ा उ लगेगा, उही पंजाब बोर्ड के लगेगा क्योंकि पंजाब बोर्ड ने कहा कि सीबीएसई की तरह ही असं आपके रिजल्ट जोड़े अनाउंस करा. ठीक है, उस तो बाद
ओपन कंपार्टमेंट रिपेयर प्राइवेट वाले बच्चे जड़े उन्होंने लिए सुनवाई जी वीरवार को होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के विच। सो हो सकता है उस दिन उन्होंने लिए कोई गुड न्यूज जी देखने मिल जाए। सो आज दे वीडियो दे विच एना ही, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर दो। जेकर वीडियो वधिया लगे तो वीडियो लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के शेयर करो, तो चैनल जरूर सबसक्राइब करो। जेकर गल करा मैं पेपर होने के, कुछ बच्चों के डाउट आए थे कि मैम कि हूँ पेपर होने, क्योंकि वो जी लॉ की भाषा होंगी वो आप थोड़ी जी समझ नहीं आती, तो भी मैनू भी टाइम लग गया थोड़ा जहा की कुछ लिखा हुआ। सो अकॉर्डिंग जिहड़ा है वो याचिका जरूर दायर की गई थी कि पेपर होने चाहिए है, बट सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने नहीं मनिया, यानी कि पेपर तुहाडे कैंसल ही है, पेपर नहीं होंगे। ठीक है, सो इस चीज़ की तुसी टेंशन ना लो कि ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, पेपर अजे तक कैंसल है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका नू बिल्कुल खारिज जिहड़ा वो कर दिता है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने लई, बाकी नेक्स्ट वीडियो विच मिलदे नवी अपडेट।